एक तरफ बिहार की सीएम नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर है तो दूसरी ओर प्रशांत किशोर की जनसुराज यात्रा जारी है। शनिवार को जनसुराज यात्रा कार्यक्रम की तरफ पीके मोतिहारी पहुंचे थे। यहां उन्होंने समाधान यात्रा के साथ शनिवार को ही शुरू हुई जातिगत जनगणना पर टिप्पणी कर दी। चुनावी राजनीतिकार ने जातिगत जनगणना को समाज में विद्वेष व उन्माद फैलाने वाला बता दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि जातिगत जनगणना समाज को जातीय गुट में बांटने की तैयारी है। इसके जरिए सिर्फ और सिर्फ जनता की आंख में धूल झोंकी जा रही है। इस जनगणना के पीछे की नीयत और मंशा क्या है, इसे समझना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि जनगणना की बात आप उसका करने क्या वाले हैं? इस जनगणना का कोई वैधानिक आधार नहीं है। नीतीश सरकार राजनीति करने के लिए जनगणना करवा रही है। जनगणना केंद्र का विषय है। बता दें कि जातिगत जनगणना की शुरुआत शनिवार को वैशाली के गौरेला से हुई है। इसके बीच कटरमाला पंचायत के हरसेर गाँव में मनोज पासवान नाम के व्यक्ति का घर चुना गया। सीएम नीतीश ने कहा कि जाति की गणना के साथ साथ लोगों की आर्थिक स्थिति का ध्यान भी रखा जाएगा। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि जातीय जनगणना करने वाले नीतीश कुमार ये बताएं कि इसका वैधानिक आधार क्या है और जनता का क्या इससे विकास होगा। अगर विकास करना है तो ये आंकड़ा समझ ले कि बिहार में 13 करोड़ लोग आज भी देश में सबसे पिछड़े हैं। उनका उत्थान होना चाहिए। जाति आधार जनगणना को लेकर भाजपा शुरू से सरकार का विरोध कर रही है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सोचने वाली बात है कि 1931 के बाद आज़ाद भारत के किसी सरकार ने जाति जनगणना की आवश्यकता क्यों नहीं समझी। मोदी सरकार बनने के बाद जातीय फैक्टर धीरे धीरे कमजोर होने लगा। लोग विकास की बात करने लगे, तब क्षेत्रीय दलों का जातीय आधारित राजनीति खतरे में पड़ गई और वो फिर से समाज को आपस में लड़ाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। बिहार में समाजवाद के नाम पर गरीबी का बंटवारा हुआ है, लोगों को जाति समूहों में बांटकर अपनी रोटी सेकी गई है। और एक और बात मैं आपको बता रहा हूं, ये लोग जाति की भी राजनीति नहीं कर रहे, मैं तो मन से रोज कह रहा हूं। जात की राजनीति तो ये होती ना कि अगर मैं ब्राह्मण हूं और मैं कहूं कि भाई ब्राह्मण का सबसे अच्छा लड़का आगे बढ़ना चाहिए। लालू जी ये कहां कह रहे हैं कि यादव समाज का सबसे अच्छा व्यक्ति जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। मांझी जी ये कहां कह रहे हैं कि मुसहर समाज का जो सबसे अच्छा आदमी है वो आगे बढ़ना चाहिए। ये तो ये लोग ये कह रहे हैं कि हमारा लड़का आगे बढ़ना चाहिए, हमारा लड़का मुखिया होना चाहिए और आप हमारे जाति के हैं इसलिए सब लोग आप हमको वोट दीजिए। अगर जातियों की भी राजनीति होती तो कम से कम उन जाति समूह के लोग तो अच्छे हो गए होते भाई। यादव समाज के लोग अगर धनी हो गए होते तो भी मान लिया जाता, कम से कम 14% बिहार तो अच्छा हो गया, 13% बिहार तो के लोग तो अच्छे हो गए होते। तो ये तो जात के नहीं राजनीति है, ये तो परिवार और स्वार्थ की राजनीति है। जाति का इस्तेमाल किया जा रहा है अपने परिवार की और स्वार्थ की राजनीति को मजबूत बनाए रखने के लिए।